मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जमशेदपुर। यह संस्थान भारत के लिए बहुत ही बड़ा होता है और यह संस्थान जमशेदपुर में है और जमशेदपुर के लिए भी बहुत महान है। लेकिन इस संस्था के पास जहां हम खड़े हैं और वह संस्था जो बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन है, जिसमें डायरेक्टर बैठते हैं, उनकी पूरी टीम बैठती है और उनके कार लगा हुआ है और उनके बगल में एक बैनर है। बैनर को हम चाहेंगे कि क्लोज कीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि 22/11/2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए मृतक कर्मचारी के आश्रित अनुवंका नियुक्ति को लेकर संस्था के समक्ष धरना स्थल पर बैठकर धरना आज भी जारी है। और यह कर्मचारी वह है जो मृतक कर्मचारी के आश्रित यानी उनकी धर्मपत्नी। और आप देख सकते हैं कि यह NIT वही NIT है जो विश्व को ब्रेन देता है। बड़े बड़े कंपनी के MD, CEO, GM और यहाँ पर भारत सरकार को भी बहुत बड़ी बड़ी प्रौद्योगिक मिलता है, क्योंकि वह इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो भारत के टॉप 1 बच्चे हैं, इसमें जाकर पढ़ते हैं और वहाँ से बनने के बाद वह अपनी भारत के साथ साथ विश्व को भी अपनी क्षमता शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, वह जो 4th ग्रेड जो कर्मचारी है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको चाय बिस्कुट से लेकर साफ सफाई से लेकर वह काम करने वाले, उनके आश्रित जो NIT के परमानेंट एम्प्लॉय थे, उनके आश्रित आज धरना में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी नौकरी चाहिए। डेली डायरेक्टर का गाड़ी आता है, यहाँ रुकता है और उसके बाद चल जाता है। इन लोग डेली उनसे पूछती है कि सर हमारे नौकरी का क्या हुआ, लेकिन डायरेक्टर जी के तरफ से कुछ भी जवाब नहीं मिलता है और बोला जाता है कि यह आपको मिलेगा नौकरी। ये क्या विडम्बना है। इतने बड़े संस्थान जो विश्व विख्यात है, भारत सरकार के लिए विश्व विख्यात है, और उसके गेट के सामने 1 साल से धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इनका दीक्षांत समारोह हो रहा है, बड़े बड़े VIP, बड़े बड़े मंत्री, राज्यपाल आते हैं दीक्षांत समारोह में, बड़े बड़े कॉरपोरेट आते हैं इस दीक्षांत समारोह में, लेकिन उसके इंटर होने के बाद जब इन लोग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्या यह सही है या नहीं। जो इस संस्था में अपने जीवन बिताए, उनको आश्रित को नौकरी नहीं मिल रहा है। यह NIT का वह रूप है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं कि उस आश्रित जो परिवार वाले हैं, जो जिन्होंने धरना में बैठ चुका है, दिन रात यहाँ धरना में बैठ चुका है, ना यहाँ के जिला प्रशासन, ना यहाँ के कोई, इनके बारे में चर्चा नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? उनसे भी बात करते हैं, कुछ बात करें। मेरा नाम साइवान मुखी है। क्या क्यों बैठे हुए आप लोग धरना? नौकरी ले बैठे हैं। क्यों नौकरी देगा आपको NIT? क्या है, मेरे पति का हक मांगने के लिए। मेरा पति नौकरी कर रहा था यहाँ पर। कितना दिन नौकरी किया? कितना दिन नौकरी का क्या काम करता था आपका पति? मेरा पति यहाँ पर झाड़ू मारता था। झाड़ू मारता था, कब ज्वाइनिंग हुआ था? वो बोला था हम सर का घर में लीटर है सर, हमारा पास में नहीं है सर। अभी आप लोग यहाँ से जब बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से, तो क्या बोलते हैं आप लोग? सर कुछ नहीं बोलता, सर कुछ नहीं बोलता ना। लगाइए इनको। पति का नाम बोलिए। मेरे पति का नाम कार्तिक मुखी। इनको लगाइए। सर मेरा आदमी का नौकरी के लिए यहाँ धरना में बैठे। मेरा आदमी का नाम था जौहर मुखी, वो उसका परमानेंट सर्विस था सर, और उसका डेट हो गया, इसीलिए उसका नौकरी के लिए हम यहाँ एम्प्लॉय किए थे। सर लोग को बोले कि हमको काम चाहिए नौकरी, लेकिन सर लोग बोला कि हाँ मिलेगा मिलेगा, यही बोलते बोलते बात को टलते रहता, और हम लोग धरना में बैठे 1 साल हो गया। मेरा नाम है मुन्नी देवी। तो आप लोग धरना में बैठे हुए हैं तो कोई पूछने नहीं आता? नहीं सर, पूछने तो कोई नहीं आता, लेकिन हम लोग सर से मिलने जाते हैं 2-3 महीना के बाद, लेकिन सर बोलता है कि नौकरी मिलेगा नौकरी देंगे, और कुछ नहीं बोलता है। इनको बताओ क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलमणि मुखी है सर।
हम भी नौकरी के लिए मने कि ये होता है जब मेरा आदमी डेट हो गया उस समय हम बोला था तो सर लोगों बोला कि जब यहाँ पर मैं बहाली होगा तब बुलाएंगे बोल करके ये लोगों इसी तरह से बात को टालते गया। उसका बाद में हम लोगों देखें कि बहुत दिन तक कुछ भी सुनाई नहीं हुआ कुछ देखभाल नहीं हुआ हम लोगों का नौकरी का तो हम लोगों बैठ गया सर लेकिन कोई आप लोग को सुनवाई नहीं हुआ। हाँ अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। क्या बोलता आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में हम लोगों नहीं किया है सर। और क्या बोलता है जो बोलता है कि यहाँ पर पढ़ा लिखा आदमी चाहिए 4 ग्रेड वाला आदमी को अभी सरकार बंद कर दिया है। झारखंड सरकार भी आपका यहाँ पर 4 ग्रेड वाला आदमी को बंद कर दिया है बोल रहा है और 2 ठो सीट है करके बोल रहा है। कौन बोला ये बात? ऐसे ही बोल रहा है जब भी पूछताछ करने जाता। एप्लीकेशन लिख के दिए थे? हाँ सर। कोई जवाब नहीं आया? कहाँ हम लोगों के पास अभी तक कोई नहीं आया। पति का नाम? मेरा पति का नाम है शरद मुखी। मेरा नाम नीलमणि मुखी। मेरा नाम विमला देवी। मेरा पति का नाम सदाशिव मुखी। वो परमामेट सर्विस करता था और स्वीपर में था लेकिन वो डेट कर गया नौकरी रहते हुए तो हम बैठा है नौकरी के लिए। आपको आशा है कि आपका बात रखेगा आपको नौकरी मिलेगा? वही तो दिलासा दे रहा जब भी मिलने जाता है हाँ नौकरी देगा नौकरी मिलेगा वही उम्मीद से हम लोग बैठा है। कि जैसे गेट से इंटर करते हैं कुछ लेडीज सर अनिश्चितकालीन धरना में प्रदर्शन कर रही है तो सर क्यों कर रही है उनका क्या डिमांड है और इनके आपके तरफ से उसको कुछ? जब तक मेरा डिमांड मैं जानता है एक्चुअली दे आर बेसिकली अनुकंपा है जिस लोग को वर्किंग करते करते डेथ हो गया ना लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर बिफोर फॉर्मिंग द NIT RIT का टाइम का तो पहले वाला डायरेक्टर भी कुछ इसमें कोशिश किया था लेकिन एज पर DOPT नॉर्म्स वो तो गवर्नमेंट तो वही नॉर्म पे ही चलता है ना तो उसमें 5 साल पहले वाला को हम लोग कंसिडर नहीं करेगा ऐसे DOPT बोल दिया मतलब बोर्ड में डिसीशन हुआ तो जिस टाइम में पहले वाला डायरेक्टर प्रोसेस किया था शायद 2019 ऐसे कुछ होगा तो 2014 से जो है वो लोग अप्लाई किया था उसमें तो सिलेक्शन भी हो गया एंड उस दोनों का तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चल रहा है अनुकंपा वाला ही लेकिन जो लोग बैठा है वो लोग तो मैं जब तक खबर लिया है वो लोग तो पेंशन तो मिल रहा है लेकिन 2014 का पहले वाला को तो ऑफिशियली तो मैं दे नहीं पाएगा लेकिन वो लोग बोल रहे हमको परमानेंट नौकरी चाहिए। मैं उनसे एक बार बात किया था कि आपको फैमिली को कोई ना कोई लड़का जो भी है मैं कुछ कांटेक्ट में और एजेंसी का थ्रू में ले लेगा लेकिन वो बोला नहीं है हमको नहीं चाहिए हमको परमानेंट जॉब चाहिए। परमानेंट जॉब तो बोर्ड का और गवर्नमेंट का जो रूल है वो बिना तो मैं नहीं ले पाएगा बोलने से तो नहीं होगा। लेकिन वो धरना प्रदर्शन अगर कर रहे हैं तो बहुत खराब लगता है सर कोई भी गेस्ट आएंगे तो होता है मैं समझ रहा है लेकिन ये भी इशू बन जाएगा मैं फोर्स करेगा तो इशू बन जाएगा मैं करेगा नहीं लेकिन उसको समझा दिया रजिस्टर भी समझ रहा है मैं तो आने का पहले से ही चल रहा हूँ मैं तो सुना है 2022 अक्टूबर से वाला धरना चल रहा है पहले दूर में था अभी इधर आ गया पहले गेट के बाहर था गेट के बाहर नहीं है मैं इधर में था डायमंड जुबिली के सामने में और फिर उधर में बारिश का टाइम इधर आ गया तो क्या करूं वो लोग को तो बोल दिया जी ये बोला पॉसिबल नहीं है लेकिन क्या करूं। और AD लाइव चैनल को आप लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद जोहार।